ग्रहों से हम नहीं हैं, हमसे ग्रह हैं। एक बहुत बड़ी बात है ये, जैसे हम जमाने से नहीं और जमाना हमसे है, ये आपने सुना भी होगा। उसी तरह से बहुत ढेर सारे लोग इतने भ्रमित हैं कि वे बार बार ग्रहों के और नक्षत्रों के चक्कर में पड़े रहते हैं और अपना अनमोल समय बर्बाद करते रहते हैं। आपको मालूम है, आपने ये भी सुना होगा कि आपके हाथ की लकीरें आपके कर्म के हिसाब से चेंज होती हैं, तो आप उन लकीरों को किसी भी ज्योतिषाचार्य से दिखाकर अपना भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं। कारण कि आप एवरी टाइम एवरी सिचुएशन में कुछ न कुछ कर्म कर रहे हैं और उस कर्म के बदले में आपकी लाइफ में परिणाम चेंज हो रहे हैं और उस चेंज होने के फलस्वरूप आपके हाथों की लकीरें भी बदल रही हैं। तो जब आपके हाथों की लकीरें बदल रही हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपके कर्म के अनुसार ग्रहों की दिशा बदल रही है। अगर आप ग्रहों के और नक्षत्रों के दिशा अनुसार अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश करेंगे तो आपको खाना तक भी नसीब नहीं होगा और आपका दुर्भाग्य आपके साथ रहेगा। तो आप उनके चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप घन चक्कर बन जाएंगे। दूसरी बात कि बात आती है कि आप हीलर हैं, एंजल थेरेपिस्ट हैं या रेकी हीलर हैं या किसी भी और थेरेपी में हैं, तो आपको लगता है कि इन ग्रहों को कुछ हीलिंग दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके सामने पूरी पृथ्वी है और पूरा ब्रह्मांड है। आप पूरे ब्रह्मांड को रेकी दे सकते हैं और आर्क एंजल से रिक्वेस्ट लगाकर कि पूरे ब्रह्मांड में शांति अमन चैन बनाए रखें, और आप पूरे पृथ्वी को जब रेकी देंगे तो इस धरती माँ को रेकी देते वक्त अफर्मेशन दीजिए या एंजल से रिक्वेस्ट लगाते वक्त अफर्मेशन दीजिए कि इस धरती में, इस धरती के ऊपर जितने भी प्राणी हैं सभी सुख में हैं, शांति में हैं, आराम से हैं, चैन से हैं और प्यार से रह रहे हैं, समृद्धशाली हैं और सभी को समय से भोजन प्राप्त होता है और हर जरूरत की चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसलिए इस पूरी धरती पर और पूरे ब्रह्मांड में हर जीव बहुत ही सुखमय है। तो इस तरह से क्या होगा कि जब आप प्रोसेस करेंगे तो आप लगातार ब्लेसिंग कर रहे हैं तो वो ग्रह नक्षत्र भी उसके अंदर आ जाते हैं। जब ग्रह नक्षत्र भी आपकी ब्लेसिंग प्राप्त करते हैं तो बदले में आपको कई गुना वापस पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको धरती माँ को हील करना है, रेकी देना है या एंजल से हील करना है या पूरे ब्रह्मांड को, तो आप विजुलाइज कर लीजिए अपने सामने छोटे से बॉल साइज में धरती माँ को, पूरे ब्रह्मांड को चाहे तो यहाँ पर एक छोटे से बॉल साइज में सामने विजुलाइज कर लीजिए और रेकी कॉल कीजिए। पहले आप चाहें तो एंजल्स थेरेपी से, एंजल से, ऑल आर्कएंजल से रिक्वेस्ट लगा दीजिए। कैसे? आपने विजुलाइज कर लीजिए धरती माँ को, पूरे ब्रह्मांड को एक बॉल के साइज में, गेंद की साइज में, और सामने विजुलाइज कर लिया और रिक्वेस्ट लगाया, हे ऑल आर्कएंजल्स, हमारी इच्छा है कि आप पूरे ब्रह्मांड को हील करो और पूरे ब्रह्मांड में सुख शांति समृद्धि धन दौलत प्रदान करो, हमारी इच्छा है, ये प्रेयर है आपसे, रिक्वेस्ट है। तो वो सारे एंजल्स हील करना शुरू कर देंगे और जब वो हील करेंगे तो उससे जितने भी प्राणियों को बेनिफिट होगा, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, ग्रह नक्षत्रों को, उन सभी के बेनिफिट से प्रॉफिट आपके अकाउंट में भी आएगा। ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ये हो गया। अब आपको रेकी देनी है तो आप कॉल कीजिए उसी प्रोसेस में कि आपके सामने कौन है, धरती माँ, तो रेकी कॉल करिए, आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी एनर्जी, आई थैंक माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, आई थैंक माई यूनिवर्स या अर्थ, बॉल की साइज में देखिए और रेकी देना शुरू कीजिए, सिंपल बस और कुछ नहीं। सिंपल ऐसे रेकी देना धरती माँ के ऊपर, ऐसे रेकी बस जा रही है, वाइट ब्राइट लाइट से धरती माँ हील हो रही है और अफर्मेशन दीजिए कि इस
धरती के ऊपर ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, सभी सुख में हैं, शांति में, आराम से, चैन से, खुश हैं। एवरीडे आप 5 से 7 मिनट ये करिए तो देखिए कि जो आप ब्लेसिंग दे रहे हैं और जो अफर्मेशन दे रहे हैं वो सारी चीज़ें पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हैं और उसके बाद वापस आपके पास सुख समृद्धि, शांति, खुशियाँ, धन दौलत, सफलता, आराम, चैन सब कुछ आएगा। तो ग्रह नक्षत्र के अकॉर्डिंग आपको चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्रहों की दिशा के हिसाब से आपको चलने की जरूरत नहीं होगी। आपने ब्लेस कर दिया और आप अपना काम करते रहिए, बाकी तो यूनिवर्स से आपको पॉजिटिव सारी चीजें आती रहेंगी और आपकी जिंदगी में सब कुछ आता रहेगा, सुख शांति समृद्धि धन दौलत सफलता सब कुछ। तो इस तरह से आप हील भी कर सकते हैं और ग्रह नक्षत्रों के चक्कर में पड़ने से बच भी सकते हैं और हाथों की लकीरों के ऊपर भरोसा करने से भी बच सकते हैं। जरा मेरी इस बात को एक बार गौर से सुनिए क्योंकि इसी बात के बाद मैं अपनी बात इस वीडियो में फिनिश्ड करने वाला हूँ। हाथ की लकीरों पर विश्वास नहीं करना दोस्तों, हाथ की इन लकीरों पर कभी विश्वास मत करना क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो क्या उनकी तकदीर नहीं होती? आप जरा सोच कर कल्पना करके देखिए कि जिनके हाथ और पैर भी नहीं होते हैं वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाते हैं, कहाँ से? यहाँ से, अपने सोच से। तो आप सोच को पॉजिटिव कीजिए, सब कुछ आपका पॉजिटिव हो जाएगा। थैंक यू।